गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, फॉर्ब्स के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप सबके लिए जो मैंने वोकैब का समाधान सीरीज स्टार्ट करा है, आज उसका चौथा एपिसोड है बच्चे। और अभी तक जो भी हमने अपलोड करे वीडियोस, मुझे यकीन है आप लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी करा है, और सुनो मैंने यहाँ पे अपना नंबर भी दे रखा है, आप लोगों को कोई अगर कुछ और क्वेरी हो उससे रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन करें और हम उसको कोशिश करेंगे आपके क्वेरीज को आंसर करें। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पहला जो वर्ड है वो है आपका इनिशिएट करना। इनिशिएट करना क्या होता है, आपने टर्म सुना होगा इनिशिएट करना। मैं आपको सबसे पहले इसका एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। वी वांट टू इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ या इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन। इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर एक डिस्कशन को हम इनिशिएट करना चाहते हैं। तो इनिशिएट एज अ वर्ब यूज करा गया बच्चे, इनिशिएट करना। तो इनिशिएट के लिए देखो कौन कौन सा वर्ड हो गया, बिगिन करना, ट्रिगर करना या कमेंस करना। कमेंसमेंट, आपने एक टर्म सुना होगा कमेंसमेंट। कमेंसमेंट के मतलब होता है शुरुआत करना। सो द मीटिंग, जैसे हम कमेंस से भी एक सेंटेंस आपको बना के बताते हैं, द मीटिंग कमेंस्ड एट 9:15, द मीटिंग कमेंस्ड एट 9:15 AM। मतलब मीटिंग की शुरुआत, बिगिनिंग जो मीटिंग की हुई वो 9:15 AM पे हुई। सो कमेंस करना या बिगिन करना या ट्रिगर, इवन ट्रिगर भी हम यूज करते हैं, और ट्रिगर का मतलब होता है जस्ट इनिशिएट समथिंग। सो इनिशिएट के लिए एक एग्जांपल सेंटेंस मैंने बनाया आपके लिए, इनिशिएट, वी वांट टू इनिशिएट अ डिस्कशन। सो हम लोग एक डिस्कशन को इनिशिएट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, एज अ वर्ब हमने यूज करा इनिशिएट को। इसका अगर आपको एंटोनिम बताना है इसमें बच्चे, तो क्या होगा एंटोनिम बोलो इनिशिएट का। यहां पे एक ही टर्म है फिर, यहां पे देखिए बिगिन, ट्रिगर और कमेंस तो हो गया, तो इनिशिएट करना मतलब एंड करना, फिनिश करना। यहां पे ये एंटोनिम इसमें पूछा गया है, तो इनिशिएट का एंटोनिम क्या बन गया, फिनिश, और सिनोनिम क्या बन गया, बिगिन या ट्रिगर या कमेंस। नेक्स्ट वर्ड पे आते बच्चे, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटेंशनल। आपको मालूम है इंटेंशन टर्म, तो आपको मालूम है इंटेंशन मतलब इरादा, उसका इंटेंशन, और उसी से बना है इंटेंशनल। इंटेंशनल का अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइलिंग की बात करोगे तो ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज करा जाता है। इंटेंशनल क्या होता है, समथिंग दैट इज वॉलेंटरली डन, समथिंग दैट इज वॉलेंटरली डन, जो स्वेच्छा से करा हुआ है, मतलब बड़ा कैलकुलेटेड वे में करा हुआ है। सो वॉलेंटरली डन है, कैलकुलेटेड तरीके से करा हुआ है। तो अब आप यहां पे देखो, कैलकुलेटेड इसका सिनोनिम हो गया, वॉलेंटरी इसका सिनोनिम हो गया, और डिजाइन करना का मतलब यहां पे आइडियाज को डिजाइन करते हैं, मतलब हम प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी मेकिंग का हम काम करते हैं। तो इंटेंशनल समथिंग दैट्स डेलिबरेटली डन। सो इंटेंशनल के लिए दूसरा टर्म आप यूज करोगे डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, बड़ा सोच समझ के करा हुआ। सो आप बोलते हैं डेलिबरेट एक्शन या डेलिबरेट हार्म, तो डेलिबरेट हार्म का मतलब क्या हुआ, इंटेंशनल हार्म, द इंटेंशनल हार्म, ही हैज डन सम इंटेंशनल हार्म टू द सोसाइटी। सोसाइटी को जो हार्म करा गया है उसके द्वारा, वो कैसा है, वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो इरादतन है। इरादतन मतलब डेलिबरेट तरीके से करा गया है। सो बच्चे ये डिजाइन, वॉलेंटरी और कैलकुलेटेड, ये तीन के तीनों जो टर्म है वो इसके सिनोनिम हो गए। और यहां पर जो पूछा गया है इसका एंटोनिम पूछा गया, तो एंटोनिम क्या हो गया, इंटेंशनल का उल्टा एक्सीडेंटल। आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं, सुनो भाई जो मैं बात कर रहा हूं या जो मेरा एक्ट है वो बहुत ही इंटेंशनल है, यानी कि डेलिबरेट है, एक्सीडेंटल नहीं है। मतलब एक्सीडेंटल का मतलब अचानक से करा हुआ, विदाउट एनी कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी यू नो डेलिबरेशन, नहीं, विदाउट एनी डेलिबरेशन, विदाउट एनी थॉट, दैट्स एक्सीडेंटल। मतलब विदाउट डेलिबरेशन, विदाउट थॉट के अगर आप कुछ काम करते हैं ना, दैट्स एक्सीडेंटल। लेकिन आप थॉट्स को थॉटफुली अगर कोई काम करते हो, थॉटफुल, देखो थॉटफुल टर्म भी बन जाएगा। सो थॉटफुल मतलब डेलिवरेट, मतलब आप मेरे ख्याल से इंटेंशन को आप समझ चुके हैं। सो डिजाइन, वॉलेंट्री, कैलकुलेटेड, थॉटफुल या डेलिवरेट, ये सारे के सारे टर्म्स इंटेंशनल के सिनोनिम्स हो गए। और इसका ऑपोजिट वर्ड जो है बच्चे, दैट्स एक्सीडेंटल। सो दैट्स एक्सीडेंटल प्लान, नॉट इंटेंशनल। सो नेक्स्ट वर्ड के मूव करेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंज्यूम करना, इसका भी मुझे एंटोनिम बताना। कंज्यूम करना हम सब लोग जानते हैं, देखो
आपने इसी से एक टर्म सुना होगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर है हम सब लोग, कंज्यूम करते हैं पावर को, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर को हम लोग कंज्यूम करते हैं। और जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी पावर हमको सप्लाई करती है या वाटर सप्लाई करती है, हम उसके कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम करना मतलब उपभोग करना, हिंदी में क्या बोलते हैं आप इसको, उपभोग। और इसी से बनता है उपभोक्ता, हम लोग उपभोक्ता है मतलब हम लोग कंज्यूमर है। कंज्यूम करना मतलब उपभोग करना, ये इसका मीनिंग बना। एज अ वर्ब हम यूज करते हैं और कंज्यूमर एक नाउन है, उपभोक्ता एक नाउन बन जाता है। कंज्यूम करना मतलब उपभोग करना, कंज्यूमर का मतलब हो जाता है उपभोक्ता। बोलते ना कि कंज्यूमर्स के नंबर बहुत बढ़ गए इस इलाके में, पावर के कंज्यूमर्स बढ़ गए। यानी इसी से एक टर्म आप बनाते हो कंजम्पशन। आप बोलते ना कंज्यूम, अब कंज्यूम से ही क्या बना देते हैं हम, कंजम्पशन टर्म यूज कर लेते। कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या होता, उपभोग, द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग समथिंग। जैसे बोलते हैं पावर कंजम्पशन समर्स के दरमियान बढ़ जाता है, क्योंकि समर्स में क्या होता है ना, बहुत सारे एसी चलने लग जाते हैं। अभी विंटर्स में हम लोग एसी नहीं चलाते, लेकिन समर्स में हम क्या करते हैं, एयर कंडीशनर्स को चलाते हैं। तो क्या होता है, पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, मतलब कंज्यूम करने लगते हैं बहुत ज्यादा, उसी से बनता है कंजम्पशन। कंजम्पशन भी एक नाउन के तौर पर यूज करते हैं हम, ठीक है बच्चे। तो अब आप देखो इसका एंटोनिम कौन सा निकलेगा। देखो कंज्यूम के लिए सिमिलर टर्म क्या हो गया, डिवोर या एग्जॉस्ट, ये कंज्यूम के लिए हो गया। एब्जॉर्ब करना को चलो हटाओ, एब्जॉर्ब तो सोख लेना होता है। इसका ऑपोजिट वर्ड जो है दैट इज सेव। पावर कंजम्पशन सेव पावर, वाटर कंजम्पशन सेव वाटर, कंज्यूम वाटर सेव वाटर। सो कंजम्पशन का उल्टा बना सेव करना, सेव। नेक्स्ट वर्ड टेंस, ये तो बहुत आप बढ़िया जानते हैं, कहते हैं माहौल बहुत ही टेंस है, टेंस साइलेंस है, चारों तरफ टेंशन है, साइलेंस है लेकिन टेंस है। सो टेंस का ऑपोजिट यहां पे हम एंटोनिम निकालेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, टेंस का मतलब आप जानते हो ना, बहुत ही स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड यहां पे लिखा हुआ है, स्ट्रेन्ड, टेंस का मतलब स्ट्रेन्ड। और इसका ऑपोजिट वर्ड जो आप बनाओगे दैट्स रिलैक्स। हम ये टर्म बहुत ही ज्यादा न्यू है, नहीं है हमारे लिए, बड़ा ही कॉमनली यूज टर्म है टेंस। हम बोलते हैं कि यहाँ पे दो गुटों में झगड़ा सा हो गया है और माहौल बहुत ही टेंस है, इसीलिए पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय कर दिया गया है बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि माहौल बहुत ही टेंस है। टेंस का ऑपोजिट रिलैक्स्ड, सो रिलैक्स इसका ऑपोजिट हुआ और इसका जो सिनोनिम हुआ दैट इज स्ट्रेन्ड। मेरे ख्याल से ये इजी वर्ड है, आप समझ गए होंगे टेंस का। नेक्स्ट टर्म बच्चे दैट्स वेन। वेन टर्म जो है ना, जैसे आप वेन को हम दो तरीके से यूज करते हैं, वेन एज अ वर्ब क्या मतलब होता है, डिमिनिश करना। वेन इज डिमिनिश करना मतलब कमना, ग्रेजुअली कम होना। सो डिमिनिश के लिए दूसरा टर्म देखिए, यहां पे ड्विंडल भी लिखा हुआ, अबेट भी लिखा हुआ। अबेट का मतलब आप जानते हो, वीकन इन इंटेंसिटी, वीकन इन स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी में वीक पन्ना मतलब कमजोर पन्ना, दैट्स अबेट या डिमिनिश। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने देखा होगा पूर्णमासी में जो चांद होता है ना, फुल मून होता है, ग्रेजुअली वो क्या होता है, वो थोड़ा सा कटना शुरू हो जाता है, फिर वो और कटता है और फाइनली वो बहुत ही से पतला सा दिखने लग जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, मून जो ये फुल मून है, फिर ये अब ये वेन कर रहा है, वेन कर रहा है मतलब इसकी डिमिनिश कर रहा है साइज। मेरे ख्याल से वेन को आप समझ गए, तो वेन मतलब डिमिनिश होना, कम होना, ग्रेजुअली। अब बच्चे चूंकि फॉल वेज का सिनोनिम के तौर पर यूज करेंगे हम, सो अबेट हो गया, फॉल हो गया, ड्विंडल हो गया, डिमिनिश हो गया, वीकन इन स्ट्रेंथ हो गया, ये सारे के सारे टर्म्स वेन के सिनोनिम्स के तौर पे हम यूज करेंगे। और एंटोनिम की अगर हम बात करेंगे, ऑपोजिट टर्म की अगर हम बात करेंगे, दैट्स इंक्रीज। सो वेन का ऑपोजिट इज इंक्रीज, यहां पे एंटोनिम हमें बताना है, हमने एंटोनिम यहां पे बता दिया। सो वेन का ऑपोजिट इज इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे फ्यूटाइल। आपने सुना होगा फ्रूटलेस, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल को हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे। मैं आपको एक बार बताता हूं, ऑल हिज एफर्ट्स वेंट फ्यूटाइल, ऑल हिज एफर्ट्स वेंट फ्यूटाइल, क्या मतलब हुआ, उसकी सारी कोशिश, एफर्ट्स वेंट फ्यूटाइल, दैट्स व्हाट फ्रूटलेस, मतलब उसके सारे के सारे एफर्ट्स कैसे हो गए, फ्रूटलेस हो गए। सो फ्यूटाइल के लिए क्या टर्म यूज करें बच्चों, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस मतलब निष्फल, वर्डलेस के सेंस में, फ्रूटलेस का मतलब हो गया वर्डलेस। तो आप यहां पे देखो वर्डलेस लिखा हुआ ना, और
बैरन भी इसीलिए, बैरन भी आप जानते हो, बैरन ट्रैक, बैरन का मतलब नॉट प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। सो फ्यूटाइल के लिए आप कौन सा दूसरा टर्म यूज कर सकते हो, आप अनप्रोडक्टिव टर्म भी यूज कर सकते हैं फ्यूटाइल के लिए। सो फ्यूटाइल इज इसका सिनोनिम अनप्रोडक्टिव हो गया, वर्डलेस हो गया, बैरन हो गया, और इसका ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो दैट्स प्रोडक्टिव। बोलते हैं ना बहुत ही प्रोडक्टिव था, आपने जो एफर्ट्स लगाया ना वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करा, मतलब आपका रिजल्ट, आपका एफर्ट्स प्रोडक्टिव था, फ्यूटाइल नहीं था। फ्यूटाइल इज वेस्ट, यू नो, चला गया, वेस्ट हो गया, फ्रूटलेस हो गया, वर्डलेस हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया। मेरे ख्याल से ये वर्ड भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते बच्चे, दैट्स अ इम्पीड। आपको पता है इम्पीड, अब हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इम्पीड जो टर्म है ना, जैसे चाइना वांट, चाइना इज मेकिंग एफर्ट्स टू इम्पीड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना इज मेकिंग एफर्ट्स टू इम्पीड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्या होता, टू स्टॉल द प्रोग्रेस ऑफ, चेक द प्रोग्रेस ऑफ। इम्पीड का मतलब होता है चेक, चेक द प्रोग्रेस ऑफ, चेक द ग्रोथ ऑफ, चेक द ग्रोथ, ग्रोथ को चेक करना। ओके, सो अगर आप कभी कभी आप बोलते तो रिसेशन की बात अगर हम करें, हम हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रिसेशन इम्पीड्स इंडियाज इकोनॉमिक, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। रिसेशन जो है वो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पीड करता है। सो इम्पीड करना मतलब किसी भी चीज में रोक लगा देना, बाधा उत्पन्न करना। हिंदी में अगर हम बात करें ना तो बाधा उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, दैट्स इम्पीड करना। सो इम्पीड करना इज बाधा उत्पन्न करना, मतलब किसी चीज के रास्ते में रोड़ा बन जाना, है ना बच्चे। सो इम्पीड, इम्पीड के लिए दूसरा टर्म आप यहां पे क्या यूज करोगे, हैम्पर और रिटार्ड, थ्वॉट। ये तीनों के तीनों जो बच्चे, ये तीनों के तीनों क्या बनेगा, इम्पीड का सिनोनिम बन जाएगा, हैम्परिंग। ओके, सम ऑफ द मिस्क्रिएंट्स आर ट्राइंग टू हैम्पर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। Some of the politicians या some of the MPs are trying to impede या hamper the parliamentary proceedings. Parliament में जो proceedings चल रहा है उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, impede या hamper करने की कोशिश कर रहे हैं। So impede करना is बाधा उत्पन्न करना, मेरे ख्याल से clear है। और बच्चे इसका opposite, चूंकि हम इसमें antonym है ज्यादातर पूछा गया है, तो impede का antonym क्या बना, expedite। अगर हम बाधा उत्पन्न करेंगे, मान लो किसी काम में economic activities, इंडिया के economic activities में, अब जैसे मान लो फार्मर्स एजिटेशन हुआ, फार्मर्स एजिटेशन एक साल के तकरीबन चला और बहुत सारे लाखों किसान वहां पे बैठे रहे, तो बोलो इंडिया जो इकोनॉमिक या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो इंपीड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ ना। लेकिन अब उसी को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा, एक्सपेडाइट कराना। किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना का जस्ट ऑपोजिट बनेगा, उसमें क्या करना, उसी में प्रोग्रेस, उसको बढ़ाने की कोशिश करना, एक्सपेडाइट करने की कोशिश करना। एक्सपेडाइट करने का मतलब किसी के ग्रोथ में हेल्प करना, किसी चीज के ग्रोथ को में मदद करना, दैट्स एक्सपेडाइट, प्रोसेस को एक्सपेडाइट करते हैं। फाइन, सो इम्पीड का जो सिनोनिम हुआ, दैट्स थॉट, रिटार्ड, हैम्पर, और इसके लिए जो अपोजिट टर्म बना बच्चे, दैट्स एक्सपेडाइट, मतलब जल्दी कराना। नेक्स्ट है आपका रिपग्नेंट। रिपग्नेंट तो आप जानते हो, रिपग्नेंट के लिए एवरेंट टर्म आपने सुना होगा ना, बोलते डिस्गस्टिंग, बहुत नास्टी। रिपग्नेंट के लिए आप यूज करते हो नास्टी, दैट वाज अ नास्टी एक्ट, और एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते है ना। सो अनप्लीजेंट या नास्टी, अनप्लीजेंट या नास्टी या एवरेंट, एवरेंट टर्म भी आप यूज करते ना, एवरेंट क्राइम, रिपग्नेंट क्राइम, अनप्लीजेंट सा, है ना। तो ये सारे के सारे, और देखिए ओडियस, ओडियस भी इसका सिनोनिम है, ओडियस क्राइम, दैट वाज एन, दैट्स अ ओडियस क्राइम, किलिंग समवन ब्रूटली इज एन ओडियस क्राइम। सो ही हैज कमिटेड एन ओडियस क्राइम, ही हैज कमिटेड एन ओडियस क्राइम। ओडियस या नास्टी या अनप्लीजेंट या एवरेंट या एबमिनेबल, बहुत सारे वर्ड्स है जो रिपग्नेंट के लिए हम यूज करेंगे। अब यहां पे दो टर्म्स और भी है, ऑस्टियर एंड सॉम्बर। सॉम्बर और ऑस्टियर जो टर्म, ऑस्टियर तो आप समझते हैं ना, ऑस्टेरिटी, ऑस्टियर मतलब नॉट शोइंग, यू नो, नॉट लग्जूरियस या इकोनॉमिकल। ऑस्टियर के लिए क्या यूज करते हैं, इकोनॉमिकल, और सॉम्बर के लिए ग्रेव, ग्रेव के सेंस में। सॉम्बर का मतलब क्या होता है बच्चे, ग्रेव या
सीरियस दैट्स सॉम्बर, और ऑस्टियर के लिए हम यूज करते हैं इकोनॉमिकल. लेकिन यहां पे जो हम इसका ऑपोजिट निकालेंगे रिपग्नेंट का, वो क्या बनेगा? प्लीजेंट. देखो ना, ये इसका सही आंसर बनेगा, ऑपोजिट वर्ड इसका बनेगा ये. सो रिपग्नेंट का ऑपोजिट जो है दैट्स प्लीजेंट, और रिपग्नेंट के लिए जो सिनोनिम टर्म हम यूज करेंगे दैट्स नास्टी या अनप्लीजेंट या एवरेंट या एबोमिनेबल, और भी कई सारे. डिसगस्टिंग, आपने डिसगस्टिंग टर्म भी बहुत सारे बोलते हो ना आप. सो डिसगस्टिंग, ये भी रिपग्नेंट का सिनोनिम हो गया. सो डिसगस्टिंग, एवरेंट, एबोमिनेबल, अनप्लीजेंट, नास्टी, रिपग्नेंट, ओडियस, ये सारे के सारे पांच छह टर्म्स हो गए रिपग्नेंट के लिए. प्लीजेंट इसका ऑपोजिट टर्म हो गया. ऑस्टियर का मतलब इकोनॉमिकल होता है, सिंपल होता है, और सॉम्बर का मतलब होता है ग्रेव या सीरियस. स्टोनी, समझते आप? सॉम्बर, स्टोनी अपीयरेंस. किसी भी आपने देखा होगा कुछ लोग का जो चेहरा होगा ना, बहुत ही कूल, साइलेंट होगा, बिल्कुल स्टोनी होगा, लगेगा बिल्कुल बहुत ही सख्त, जिसको हम बोलते हैं. तो उस सेंस में हम यूज करते हैं सॉम्बर फेस, सॉम्बर फेस, इस तरह से हम यूज करते हैं बच्चे. चलो नेक्स्ट वर्ड जो है आपका दैट्स ड्यूबियस. ड्यूबियस तो आप जानते हो, ड्यूबियस के लिए क्या यूज करते हैं? डाउटफुल. ड्यूबियस के लिए हम यूज करते हैं डाउटफुल. डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब नॉट, आई मीन नॉट क्लियर, नॉट हैविंग एनी क्लियर थॉट. सो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर, ही वॉज ड्यूबियस अबाउट बाइंग अ न्यू कार. सो ही वॉज ड्यूबियस अबाउट बाइंग अ न्यू कार का मतलब हुआ एक नई कार को लेके परचेज करने के बारे में वो ड्यूबियस एटीट्यूड है. सो ड्यूबियस के लिए दूसरा टर्म क्या यूज कर सकते हैं आप? शैडी. शैडी टर्म है. फिशी भी यूज कर सकते हो आप. फिशी, शैडी, ड्यूबियस, डाउटफुल, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए ड्यूबियस के. तो इसका ऑपोजिट टर्म अगर आप यूज करोगे ना तो वो बनेगा लाइकली. ये टर्म ऑपोजिट में आंसर करना, क्योंकि एंटोनिम लिख रहे हैं ना, तो एंटोनिम इसका ड्यूबियस का क्या बनेगा? लाइकली, ना कि डाउटफुल. मेरे ख्याल से क्लियर है. नेक्स्ट टर्म की तरफ हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट टर्म अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे. आज के लिए हम इतना ही पे रखते हैं, और मुझे यकीन है ये काफी आपकी मदद करेगा. और मैं एक बात खास आपको बता दूं कि ये हमने उन बच्चों के लिए बनाया है जो स्टडीज के प्रति खुद को डेडिकेट करे हुए हैं. और बच्चों, हमारे लायक कोई भी मदद हो तो आप मुझे इस नंबर पे, ये जो नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझे कॉल करिए, कमेंट करिए, और हमारा अगर ये बढ़िया लग रहा हो आपको तो शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब भी करिए, और लाइक भी करिए. थैंक यू वेरी मच.